विचारों की शक्ति मनुष्य को पल भर में परिवर्तित कर देती है। एक बहुत सुप्रसिद्ध उदाहरण है, महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेनाएं कौरवों की भी और पांडवों की भी आमने सामने तनी खड़ी हुई थी, अपने कौशल के साथ, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ, तो उस समय अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य भाग में ले जाइए, जहां से मैं दोनों सेनाओं में खड़े योद्धाओं को प्रत्यक्ष देख पाऊं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया, वो दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर के खड़े हो गए। अर्जुन के सारथी थे महाभारत के युद्ध में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन वहां खड़े होकर सेनाओं को निहार रहा है, अपनी सेना और शत्रु सेना दोनों को उसने देखा, और देखते ही शत्रु सेना को उसके मन में विकृति पैदा हो गई। उसने देखा कि सामने जो शत्रु सेना खड़ी है उसमें सब योद्धा जो है, जो लड़ेंगे, वो सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बंधु हैं, सब मेरे बांधव हैं, सब मेरे छोटे हैं, सब मेरे गुरु हैं, बड़े हैं, सगे हैं। यदि इस युद्ध में उनकी हत्या करके, उनका वध करके मैं राजपाट को प्राप्त कर भी लूंगा तो उससे मैं शांति को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हताश हो गया, निराश हो गया और रथ छोड़ करके दूर पीछे जा करके खड़ा हो गया। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मुड़ करके देखा और पाया कि रथ में अर्जुन नहीं है, गांडीव पड़ा है, कवच उतरे रखे हैं और अर्जुन रथ में विद्यमान नहीं है, तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन पीछे जाकर के खड़ा हो गया है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने उसके पास गए, उससे कहा कि ये क्या पागलपन है, आप एक क्षत्रिय होकर, एक योद्धा होकर, एक श्रेष्ठ धनुर्धर होकर ये कायरता की हरकत कर रहे हैं, और वो भी उस समय जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैनात खड़ी हैं और किसी भी समय विगुल बज सकता है और आक्रमण की घोषणा हो सकती है। तो अर्जुन ने संशय प्रकट किया, उसने कहा हे योगेश्वर, यदि इस युद्ध को जीत जाने के बाद मैं राज को प्राप्त भी कर लूं, मैं धन को, संपदा को, ऐश्वर्य को, कीर्ति को, वैभव को, यश को प्राप्त भी कर लूं तो उसका लाभ क्या है, क्योंकि ये जितने मेरे सामने बंधु खड़े हैं, बांधव खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, आचार्य खड़े हैं, भाई खड़े हैं, ये उन सभी चीजों की प्राप्ति के बाद नहीं होंगे, और जहां ये नहीं होंगे वहां मैं सुखी भला कैसे रह पाऊंगा। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को विचारों की शक्तियों से समझाया। क्या योगेश्वर श्री कृष्ण बंदूक लेकर, क्या योगेश्वर श्री कृष्ण कृपाण लेकर, तलवार लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर अर्जुन के ऊपर चढ़ गए और उसको कहा कि नहीं, तुमको हर कीमत पर, हर हाल में युद्ध करना ही होगा? नहीं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहीं उसी क्षण ज्ञान का बोध कराया, क्योंकि अर्जुन के मन पर जो संशय के, निराशा के, कायरता के बादल छा गए थे, उन बादलों को योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान रूपी अमृत से, तत्व रूपी अमृत से शुद्ध किया, साफ किया, स्वच्छ किया, और उस तत्वबोध ज्ञान जो गीता का श्रेष्ठ ज्ञान योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को, उसने
अर्जुन के मन के विचारों को तत्काल रूप से परिवर्तित कर दिया और पुनः अर्जुन आकर के रथ में खड़े हो गए, गांडीव उठा लिया, कवचों को धारण कर लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। क्या था ये? विचारों की शक्ति थी। योगेश्वर श्री कृष्ण ने संशय को दूर करते हुए कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। हे अर्जुन, तू चिंता मत कर कि ये तेरे भाई बंधु बांधव सखा संबंधी हैं, तू सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को सम करके इस युद्ध भूमि में उतर, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तू क्यों सोचता है कि यदि ये तेरे सामने जो शत्रु खड़े हैं ये मृत्यु के ग्रास बन गए तो तू पाप को प्राप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तू धर्म के लिए लड़ रहा है और वो अधर्म के साथ खड़े हैं। कुछ समय के लिए भूल जा कि वो तेरे बंधु हैं, सिर्फ एक लक्ष्य रख कि तुझे अधर्म का विनाश करना है, धर्म की जय करनी है, धर्म की स्थापना करनी है। और वैसा ही हुआ। आत्मा को लेकर के योगेश्वर श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा उस समय संदेश दिया और आज तक हम उसको शिरोधार्य किए हुए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि तू क्यों सोचता है, क्यों निराश होता है? ये जितने भी माटी के पुतले नजर आ रहे हैं ये शरीर मात्र हैं। तू शरीर और आत्मा में भेद कर, क्योंकि अर्जुन को संशय हो गया कि यही शरीर है, यही आत्मा है, एक बार इनमें बाण लगा ये मृत्यु को प्राप्त हुए, ये खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, अग्नि में भस्म हो जाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, जो तू सोच रहा है कि तेरे शस्त्रों से ये आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, ये शरीर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शरीर और आत्मा को एक समझ रहा है। इसलिए योगेश्वर ने कहा नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, ये शस्त्रों के द्वारा मारी नहीं जा सकती। नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता, न अग्नि भस्म कर सकती, न वायु ही सुखाएगी, किसी हथियार के द्वारा कभी काटी न जाएगी, असर होता नहीं इस पर कभी पानी के पड़ने का, ये आत्मा हरगिज कभी भी मिट ना पाएगी। स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यह आत्मा तो अमर है। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हन्ति न हन्यते। तू ये जो सोच रहा है कि इस आत्मा को कोई मार देगा अथवा ये आत्मा मर जाएगी, ये दोनों तरीके के विचार गलत है। ना तो इस आत्मा को कोई मार सकता है, ना ही ये आत्मा किसी को मारती है। इसको तू समझ ले। एक ही तत्व को उन्होंने भिन्नताओं से समझाया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संहयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को तू त्याग देता है, ये मनुष्य त्याग देते हैं और नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। जब वस्त्र फट जाता है तो हम क्या करते हैं? 5000 साल पहले भी वही होता था, आज भी वही होता है। आज कोई कपड़ा फट गया है तो हम उसको उतार करके रख देंगे, सभ्यता यही कहती है, और हम नए कपड़ों को धारण कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से हे अर्जुन, जब आत्मा पुराने शरीर को देखती है, जीर्ण शीर्ण शरीर को देखती है, तो वो उसका त्याग कर देती है और पुनः नए शरीर को धारण कर लेती है। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संहयाति नवानि देहि। वो क्यों चिंता कर रहा है? अर्जुन की बुद्धि के द्वार खुल गए जब आत्म तत्व के बोध उसे हुआ। अंधकार छट गया, जो अंधकार के बादल उसके मस्तिष्क पर आ गए थे, जो अकर्मण्यता के बादल उसके मस्तिष्क पर आ गए थे, वो तत्काल प्रभाव से भाग गए, दूर हो गए। उसने सोचा था कि ये जो शरीर है ये बद्ध हो जाएंगे, लेकिन योगेश्वर ने कह दिया
कि देहे नित्यम वध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचित तुमरहसि। जो तू सोच रहा है इस शरीर के अंदर आत्म तत्व विद्यमान है, ये शरीर के अंदर से मर जाएगा, तू गलत सोच रहा है। ये आत्मा शरीर के अंदर सदा सदा अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। इतना भर समझाने पर अर्जुन समझ गया। ये विचार की शक्ति है, ये तत्व ज्ञान की शक्ति है, ये आत्मा का स्वरूप है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करो, फल तेरे हाथ में नहीं है अर्जुन, तू कर्म कर बस। तेरा कर्म यह है कि जो विरुद्ध युद्ध भूमि में खड़े हैं वो सब अधर्म के साथ हैं। अब तेरा कर्तव्य यह है कि तू क्षत्रिय धर्म का निर्वहन कर और युद्ध भूमि में अधर्म के विरुद्ध लड़। ये मत सोच कि लाभ मिलेगा या हानि प्राप्त होगी, सुख मिलेगा या दुख प्राप्त होगा, जय मिलेगी अथवा पराजय का वर्णन करूंगा, ये सब मत सोच। समता का भाव रख करके आगे बढ़। और अंत में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में यही कहा, सर्व धर्म परित्याजा ममैकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जितने भी विचार तेरे मन में आ रहे हैं इसको भूल जा, क्योंकि ये तुझे विचलित करेंगे, ये तुझे पथ भ्रष्ट करेंगे, ये तुझे मार्ग से ओझल कर देंगे, डगमगाने पर प्रेरित करेंगे। लेकिन तुझे करना सिर्फ एक काम है, मम एकम शरणम व्रजा, सर्व धर्म परित्याज। यहां धर्म का तात्पर्य है जितने विचार तेरे मन में आ रहे हैं इनको सबको त्याग। मम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये विचार शक्ति है, ये चिंतन की शक्ति है, ये ज्ञान की शक्ति जो मनुष्य को दानव भी बना सकती है और मानव भी बना सकती है, श्रेष्ठ भी बना सकती है और निकृष्ट भी बना सकती है, अवशेष भी बना सकती है और विशेष भी बना सकती है। ये विचार है, ये ज्ञान है, ये तत्व है, ये बोध है।